नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद। स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक मौलाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा कि मौलाना झाड़ फूंक के नाम पर उसके साथ 6 महीने से निहायत ही घटिया काम कर रहा था, साथ ही उसकी बेटी के साथ भी ऐसी हरकत की जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने झाड़फूंक के बहाने महिला से रेप करने के आरोप में एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला की नाबालिग बेटी के साथ भी मौलाना छेड़खानी करता था। वहीं पीड़िता ने बताया कि मौलाना जैनुल आबिदीन पिछले 6 महीने से घर पर आता था और झाड़फूंक के बहाने से दुष्कर्म करता था। इसके बाद उसने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़खानी करना शुरू कर दिया। जब वह इसका विरोध करती तो उसे मारने की धमकी देता था। दरअसल महिला ने बताया कि एक दिन उसके बेटे ने मौलाना को गंदी हरकत करते देख लिया था। इसके बाद मौलाना ने उसके लड़के को पंखे से बांध कर लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि महिला का कहना है कि उसने मौलाना के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और वह चाहती है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उसने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह दोनों माँ बेटी अपनी जान दे देगी। वहीं पीड़िता ने कहा, हमने बेटा तो खो ही दिया है। हालांकि मामले में सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले जैनुल आबिदीन के खिलाफ शिकायत की थी। महिला का आरोप है कि जैनुल आबिदीन झाड़फूंक के नाम पर उसके साथ 6 महीने से शारीरिक संबंध बना रहा था। उन्होंने आगे बताया कि मौलाना पीड़िता की बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करता था, उसके लड़के को भी पंखे से लटका दिया था। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में कई धाराओं में मामला दर्ज कर जैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे समाज में जैनुल आबिदीन जैसे बहुत से ढोंगी फिर रहे हैं, जो कि झाड़ फूंक के नाम पर ऐसे घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हैं, जिसका मकसद आपको बातों में उलझाकर सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाना होता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही सरकार को ऐसे घटिया लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।